हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट 6 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 28th of September के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो आपका वर्कशीट है वो 20 मार्क्स का है। ये असाइनमेंट है जो टेस्ट फॉर्म में होता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो भी जितने मार्क्स का होगा कोई भी क्वेश्चन उसके सामने आपको लिखा होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है कंपलसरी है, ये आते ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, इनसे आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जिसमें से आपको सही चूज करना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी का। अब देखो, इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। अनिल वेंट टू इंडिया गेट इन वन फाइन इवनिंग। अनिल इंडिया गेट जाता है शाम को। ही ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द इंडिया गेट स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो वो देखता है कि जो इंडिया गेट का टॉप है वो ग्राउंड पे, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ये इंडिया गेट का टॉप है। द पोजिशन ऑफ इंडिया गेट एज ए बी, जो पोजिशन है इंडिया गेट की उसको हमने मान लिया ए बी इसको। ठीक है, एंड अनिल एस सी, और अनिल कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है ना, देखो ये सी ऑप्शन जो है आपका इधर, यहाँ है अनिल। ठीक है, इतनी दूर, इतने डिस्टेंस पे। उसके बाद एंड सी इज ड्रोन इन द कार्टेशियन प्लेस एंड शोन इन द फिगर। फिगर में जिस तरीके से आपको शो किया गया है, बेस्ड ऑन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फिगर के हिसाब से आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सही आंसर आपको देने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिस्टेंस बिटवीन अनिल एंड टॉप ऑफ इंडिया गेट इज। क्या डिस्टेंस होगा अनिल और, अनिल कहाँ पर है, ये है अनिल, इन अनिल के बीच और टॉप ऑफ द इंडिया गेट, ये है टॉप ऑफ द इंडिया गेट। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। जैसे ही आपके माइंड में ये वर्ड आएगा डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, इसकी कोऑर्डिनेट्स पता हो और इसकी कोऑर्डिनेट्स पता हो। कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये रहा -5 और इधर क्या है 4। ठीक है, तो ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और 4, ए की कोऑर्डिनेट्स पता है। इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो ये आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x तो क्या है, x आपका 3 है और y आपका -4 है। ठीक है, 3 और -4। ठीक है, और ये क्या था आपका -5 और 4। तो a और c के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सो ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स -5, 4 और 3, -4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम, x2 - x1 मतलब 3 - -5 और y2 - y1 -4 -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - - प्लस होता है, तो 3 + 5 8 का स्क्वायर, -4 - -4 - 4 - 8 होगा, तो -8 का स्क्वायर भी 64 होगा, 8 का स्क्वायर भी 64 होगा। 64 + 64 = 128। को अगर हम देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 8√2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो 8√2 यूनिट्स, 8√2 यूनिट्स किस में था, आंसर जो आपका बी पार्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, बी। सो आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, 8√2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है द पॉइंट डी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए सी इन द रेशियो। जो पॉइंट डी है, देखो आप ध्यान से अगर पिक्चर में हम देखें तो ये रहा डी पॉइंट। डी पॉइंट आपको जो ए सी है इसको कट करता है, किस रेशियो में कट करता है, ये और ये क्या रेशियो है इनका, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं m1 m2 वाले जो फॉर्मूले थे उनको यूज़ करके। m1 m2 रेशियो ही तो होते थे, है ना। तो d का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा पहले। क्या है d का कोऑर्डिनेट, -1 और 0 है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही थे a और c के। तो ये लाइन ड्रॉ करूँगी मैं, और डिस्टेंस मतलब जो इनका हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो होता था वो हम यूज़ करके रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। सो ये आपका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट हमने ले ली है वहाँ से, जो ए आपका क्या था -5 और 4, सी आपका क्या था 3 - 4 और डी क्या है आपका -1, 0। तो यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो रेशियो है, रेशियो में निकालना है m1 m2। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो आप रेशियो k और 1 मान लीजिए, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो ईजिली हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने y कोऑर्डिनेट लिया है, y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 / m1 + y2। y क्यों लिया, क्योंकि y 0 है तो इजिली जो नीचे वाला है वो मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा 0 आ जाएगा वो। ठीक है, इसलिए तो यहाँ से y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। m1 क्या है मेरा, k है, m2 मेरे पास क्या है, 1 है। ठीक है, y2 y1 क्या है,
फोर और माइनस फोर, ठीक है, तो माइनस फोर और फोर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, एम वन प्लस एम टू क्या है के प्लस वन, बस इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर के प्लस फोर और नीचे के प्लस वन, ऊपर जाके जीरो हो जाएगा, तो माइनस फोर के प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस फोर के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, फोर के इज इक्वल्स टू फोर, फोर से फोर कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वन आ जाएगी, तो हमारा रेशियो क्या था के इज टू वन था, तो के की जगह वन रखेंगे तो रेशियो आ गया वन इज टू वन, ठीक है, तो यहाँ से एम वन एम टू क्या आएगा आपका वन इज टू वन बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन, तो हम अपने जो ऑप्शन है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या है एट रू टू यूनिट, सेकंड का आंसर क्या होगा वन इज टू वन, थर्ड है द ट्राइंगल ए बी सी इज, जो ट्राइंगल है आपका ए बी सी ये क्या है एक राइट एंगल आइसोसेलेस है, राइट एंगल स्केलन, एक्यूट एंगल आइसोसेलेस या एक्यूट एंगल स्केलन, एक बात देखो ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है, तो एक ये राइट एंगल होगा, तो ए और बी ऑप्शन में से ही आपका एक होगा। उसके बाद ये आइसोसेलेस है या स्केलन है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, या फिर स्केलन मतलब तीनों साइड्स आपकी अनइक्वल होंगी तो स्केलन हो जाएगा। तो ये इसका क्या तरीका है, हम क्या कर सकते हैं कि पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालो, इसकी कोऑर्डिनेट्स तो पता है ये, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, माइनस फोर सॉरी माइनस फाइव और माइनस फोर है ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये इसकी और इसकी और इसकी हमें पता ही है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं इसका डिस्टेंस निकालूं और फिर इसका डिस्टेंस निकालूं, दोनों को कंपेयर करूं इक्वल आएंगे तो आइसोसेलेस इक्वल नहीं आएंगे तो स्केलन आएगा, लेकिन ये वन मार्क का क्वेश्चन है सिर्फ, तो इस पर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं देखूंगी ये कितना है आपका डिस्टेंस, यहाँ से फाइव है और यहाँ से आपका थ्री है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका टोटल एट हो गया, ऐसे ही यहाँ से काउंट कर लेते हैं मैं, ये डिस्टेंस कितना है फोर है, ये डिस्टेंस कितना है फोर है, यहाँ से भी क्या हो गया एट हो गया, यहाँ से भी एट हो रहा है, यहाँ से भी एट यूनिट्स हो रहा है, तो दोनों इक्वल आ गए तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होगा। तो क्वेश्चन थर्ड का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए राइट एंगल आइसोसेलेस, ठीक है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, और अगर करना चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करोगे इसका डिस्टेंस निकालोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे और इन दोनों दोनों को इक्वल शो कर दोगे, ठीक है। ये हो गया आपके पहले तीन क्वेश्चन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। सुमिता वाज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन द अनिल एंड अनिल गेट एंड इंडिया गेट, जो सुमिता है वो एग्जैक्टली कहाँ खड़ी थी, बीचों बीच खड़ी थी जहाँ किसके, अनिल और इंडिया गेट के, ये अनिल है मान लीजिए, ये इंडिया गेट है, इसके बीचों बीच खड़ी थी, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ सुमिता, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है, माइनस वन जीरो, माइनस फाइव जीरो, माइनस वन, माइनस फोर और जीरो माइनस फोर। देखो इसने क्या, बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी, तो मैं मिड जो मेरा आपका मिड पॉइंट्स निकाल सकती हूँ, मैं मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वाई वन प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है आपको, एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होगा माइनस फाइव प्लस थ्री, ये कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन, और वाई वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस टू आएगा। तो जो ऑप्शन जो सी है आपका माइनस वन कोमा माइनस टू, इस पॉइंट पर सुमिता खड़ी थी जो एग्जैक्टली उनके बीच में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन सी, क्वेश्चन फोर आपका ऑप्शन सी, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन सी इज, वैल्यू ऑफ साइन सी क्या होगी, ठीक है, ये साइन जो ये है कितना होगा, ये कैसे निकालोगे, देख एक एक बात देखो आप, यहाँ पे बिल्कुल इजी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपको पता है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, दोनों इक्वल एंगल होंगे तो 45 45 होंगे, इसका मतलब तो 45 40, ये सी है, साइन सी निकालना है, मतलब क्या निकालोगे, साइन 45 निकालोगे, तो बस यही वैल्यूज आपको निकालने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव का सोल्यूशन क्या करोगे, यहाँ से साइन 45 है, साइन 45 है मतलब क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, साइन क्या हो जाएगा, प्रपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, तो प्रपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, प्रपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है क्या होगा, यहाँ से 1/√2 आपकी वैल्यू, वो इसमें तो गिवन नहीं है, डायरेक्ट 1/√2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला आपको रिवाइज करा रही हूँ, क्या होता है प्रपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन 45 1/√2 हो गया, तो आंसर डी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर डी होगा, ठीक है, इसका क्या था, ये आंसर था, और यहाँ पे राइट एंगल आइसोसेलेस था, ठीक है। तो केस स्टडी जो क्वेश्चन था आपका वो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे, जो आपके 2 या 3 मार्क्स के हैं, ये 10 क्वेश्चंस तक ही आपके 10 क्वेश्चंस थे टोटल। तो सिक्स क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपको जो फिगर दी है इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्या है प्रपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस, ये दो चीज़ आपको पता है, तो प्रपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है ना, साइन 30 ले लूँ मैं, एंगल भी दे रखा है साइन 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन बहुत ही ईजी है,
क्या करूंगी मैं, ये मेरे पास फिगर गिवन था, इसमें मेरे पास एक्स गिवन था, ये टेन गिवन था, ये एंगल गिवन है 30, तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, हाइपोटेनस क्या है 10, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो 10 को आप ऊपर ले जाओ, 10 को ऊपर ले जाएंगे 10/2, इसको आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी 5 होगी, ठीक है ना। तो एक्स निकाला था, ये कितना होगा 5 होगा, तो ये होगा आपका आंसर नंबर 6। इसमें ऑप्शन नहीं थे, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना था, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन 7th क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कोमा 2a और माइनस ए और a। इसमें आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकाला है इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे और हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 7, सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 2a 2a और माइनस ए ए, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, माइनस ए में माइनस ए हो जाएगा और a माइनस 2a हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस 2a, यहाँ पे क्या होगा माइनस a, माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 के नीचे तो रहेगा, ये स्क्वायर एक ही साथ नहीं होगा क्योंकि ऊपर अंडर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो डायरेक्ट सिर्फ a बचेगा। तो माइनस नहीं होगा, रूट 5 a यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, ये है आपका आंसर नंबर 7th, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको दिया हुआ है ए बी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी डी आपको तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स उसके, तो जो एक कोऑर्डिनेट बचा है ना सी वाला, फोर्थ जो वर्टिस है सी, उसके आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, ये आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, सिर्फ सी के कोऑर्डिनेट नहीं पता, उसको हमने एक्स और वाई मान लिया। एक चीज़ देखो यहाँ पे, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी डी का, ठीक है, सॉरी ओ है ये ओ, ठीक है ना, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ आपका क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी डी का। तो यहाँ से ये भी ओ है, डी नहीं है, ठीक है, दिस इज़ ओ। तो यहाँ से ये हिंदी मीडियम में आपको नहीं लिखना, इंग्लिश में सिर्फ आपको ये लिखना है ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ठीक है, तो माइनस टू प्लस में 3/2, और वाई कैसे निकालेंगे, वाई वन प्लस वाई टू, वन प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1/2, और इधर 2 से 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 1, ये क्या निकल जाएगा आपके पास, O, ये कोऑर्डिनेट बचता है, इसके O के जो कोऑर्डिनेट है वो निकलेंगे। इसी तरीके से अब मैं AC लूँगी और यहाँ से भी ये निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, Q इज़ द मिड पॉइंट, अब Q मिड पॉइंट होगा, इसको हिंदी मीडियम में कट कर दो, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी आपके पास माइनस 1 प्लस एक्स बाई टू और 0 प्लस वाई बाई टू। तो यहाँ से ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड पुट करो इसको, ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट ऊपर वाली थी, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, जो x से x कोऑर्डिनेट को इक्वल रखा, y को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आई, यहाँ से y की वैल्यू 2 आई, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे हमें सीखे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, 1 और 2 ही होंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8th। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है, अगर साइन थीटा आपको रूट 3/5 दिया है तो फाइंड टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है। साइन थीटा ये आपको गिवन है, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा आपको निकालना है, बिल्कुल ईजी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या गिवन है, साइन थीटा आपको गिवन है रूट 3/5। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, बेस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, बेस निकालेंगे हम, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस निकालने के लिए परपेंडिकुलर को इधर ले जाएंगे माइनस में, तो एच स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर, पी क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 3 22, ठीक है, तो बी क्या होगा आपका रूट 22 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस। अब हमारे पास सब कुछ है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, बेस भी है, बस वैल्यूज पुट कर दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब रूट 3 अपॉन रूट 22, और हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब 5 अपॉन रूट 22। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 22 आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर रूट 3 माइनस, ये रूट सॉरी 5 है, डायरेक्ट रूट नहीं है इस पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई आपको करना है, तो कैसे करोगे, इसको इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3 और रूट 22 कितना आ जाएगा, रूट 66। इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 110। तो
तो यहाँ पे रूट 66 और 110, नीचे क्या है, रूट 22 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th पे, लास्ट क्वेश्चन है जो वर्कशीट। सो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, एवोल्यूट, ये आपको एवोल्यूट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल ईजी। क्या करना है, जो आपकी जो टेबल थी उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज रखनी है। कॉस 60 क्या होता है, कॉट 45 क्या होता है, सीकेंट 60 क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10th, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई में कॉस 60 कितना होता है, 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में कॉट 45 का स्क्वायर, कॉट 45 क्या होता है, 1/1 का स्क्वायर, सीकेंट 60 क्या होता है, 2 अपॉन में कॉस 30 होता है, 2 टेंजेंट 60 होता है, रूट 3 और साइन 45 होता है, 1/√2। इसको सॉल्व कर दो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। और ये 4 माइनस 2, उसके बाद 2 प्लस रूट 3 प्लस में 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5/4 आया इधर से, इधर से आया 2, इसको सॉल्व करेंगे 5 और ये 4 2 8, ठीक है, 5 + 8/4 आ जाएगा। और नीचे भी हम एलसीएम लेंगे इसी तरीके से, रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर 2√2 + √6 + 1, बस इसको सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना था। ये क्या हो जाएगा, 13/4, और ये यहाँ पे नीचे ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, √2 / √2 + √6 + 1। यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3√2 और ये 4 2 8√2, 4√6 और 4, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।